देखिए, मैंने पहले विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक को ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपने डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले। शेखावत जी, कांग्रेस से लगातार जो इनकम टैक्स के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, उनसे वसूली की जा रही है उनके खातों से, कांग्रेस से, जबकि वो एक राजनीतिक दल है। देखिए, एक संविधान प्रदत्त प्रक्रिया और संसद के बनाए हुए कानून के तहत अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है और कोई भी व्यक्ति, अगर उस कानून का कोई भी व्यक्ति, संस्था उस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको मात्र इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल है, इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके और आपके दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूं कि वो ये तय करें कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को, कि मात्र वो राजनीतिक पार्टी है, उसके कारण से, उसके चलते हुए कानून से ऊपर उठ करके और काम करने का अधिकार है। लास्ट सवाल, राहुल गांधी धौलपुर आ रहे हैं 25 तारीख को, उनकी यात्रा आ रही है, किस तरह क्या? चलिए, पिछली बार भी आए थे यार, क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था। चलो 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 मित्रों, लगातार विश्व कांग्रेस से जीतने के लिए नेता आ रहे हैं। सवाल जनता का ये है कि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, या फिर ऐसी क्या देखिए एक विषय आपको मैं जो है आपके संज्ञान के लिए कहना चाहता हूँ। सामान्यतः कई बार बातचीत में लोग बाग कहते हैं कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा खाली है, ये देखने का नजरिया होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दूसरी सभी पार्टियों से लोगों के आने की भगदड़ मची हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा है ये देखने के बजाय डोटासरा साहब को चिंता ये करनी चाहिए कि उनकी पार्टी जो है वो शिखर से शून्य की तरफ जा रही है और अब शून्य से रसातल की तरफ जाने की तरफ आगे बढ़ रही है। उसमें प्रधानमंत्री का जो दिया गया लक्ष्य है वो हमारी प्रेरणा है, और मुझे इसमें कोई शक और शुबा नहीं लगता कि जिस तरीके से 17 और 18 फरवरी को बहुत ही ऊर्जा के साथ में हमारी राष्ट्रीय परिषद सम्पन्न हुई है, निश्चित रूप से राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित है। कोर कमेटी में बहुत सारे अन्य अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी की मीटिंग एक निश्चित अंतराल के बाद होती है। आगामी कार्यक्रम का रोडमैप बना है। ERCP और यमुना जल समझौते के लिए कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, और इससे लाभान्वित लोगों को हम बताएंगे कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। बड़े 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता अब मूर्त रूप में आया है। हरियाणा ने उसमें सहमति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर प्रवास योजना और उस योजना में जो हमें गृह मंत्री जी ने 24 अलग अलग बूथ पर होने वाले काम बताए, उनकी विस्तृत चर्चाएं हुई है, बाकी गृह अध्यक्ष जी बता देंगे। संगठन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं, गाँव चलो अभियान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अभियान है, और अभी लाभार्थी संपर्क अभियान है। उसमें जो करनी है कार्य हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, और ये अभी चुनाव के हिसाब से ऐसा नहीं है। हम जिस संगठन को फॉलो करते हैं, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उस पर निरंतर समाज के बीच में रहकर हमारा कार्यकर्ता काम करता रहता है, उसी का ये एक हिस्सा है। 24 काम है तो किन 24 को टारगेट कॉल करना है? 24 का तो टारगेट है और 25 हमारा टारगेट है, निश्चिंत रहिए। निश्चित रूप से ERCP के लिए माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार कि उन्होंने बहुत बड़ी परियोजना जो अभी तक लंबित थी और जो प्यासे कंठों की प्यास बुझाने का काम, ना केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की व्यवस्था भी उसके अंदर की है,
तो उनका हमने आभार भी व्यक्त किया और यमुना जल समझौते के लिए और आभार, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी है और डबल इंजन की सरकार प्रायोरिटी पे ये काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उनका बहुत आभार ज्ञापित करती है। तो कांग्रेस ने सिंगल नामों का पैनल भेज रही है कई सीटों से, क्या पार्टी भी इस तरह का विचार कर रही है? देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी नीति होती है, दूसरी पार्टियाँ क्या कर रही हैं वहाँ तो टोटा है अभी लड़ने वालों का ही, तो देखिए बाकी 25 सीटें हमारी हैं। प्रत्याशी एक एक सीट पर बहुत लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन जब किसी एक को डिसाइड हो जाता है तो सब कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर साथ देते हैं। मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी जब कहीं मिलती है तो ठीक से होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पे काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए नीचे 24 काम की रचना आज से नहीं, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से हम उस बूथ पे काम कर रहे हैं और उस पे हमारी बूथ कमेटियों का निर्माण करना, बूथ का सत्यापन करना, बूथ पे प्रभावी मतदाता खोजना, बूथ पे कोई जो धार्मिक स्थल है वो कौन है, उनको कौन संचालन कर रहा है, बूथ पे की वोटर कौन है, बूथ पे ऐसे कौन प्रभावी लोग हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं, सब प्रकार के काम उसमें होते हैं और उन सब लोगों को छांट करके हम और एक जो हमारा शक्ति केंद्र उसको टारगेट करके हम इस पे काम करते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेशों में रिपीट हो रही है उस पर रिपीट होने का कारण है कि अब जो हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में जो चला उसको हमने बहुत मजबूती से किया और इसीलिए हम ये सब दोबारा सरकार बनाना, बार बार चुनाव जीतना और लगातार 25 की 25 सीट जीतना, ये इससे ही संभव हो पाता है।